मीडिया ने लगाए विशाल पर गंभीर आरोप, जिससे हुए सभी लोग शॉक्ड। आखिर क्या आरोप लगाए हैं मीडिया ने, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, मीडिया ने काफी ज्यादा आरोप जो है वो विशाल पर लगाए हैं, जहां पर विशाल और शमिता का रिलेशन जो है वो भाई बहन वाला है। लेकिन यहाँ पर मीडिया जो है वो क्वेश्चन करती है विशाल से, जैसे कि विशाल अपने अपनी बहन मानते हैं शमिता को, तो शमिता के बारे में ऐसी चीजें कैसे कह सकते हैं। यानी कि ये चीजें दिखाई गई थी जहां पर विशाल जो है ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि राकेश बापट ने शमिता को फंसा कर जो है बड़ा हाथ मारा है। अब इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं मीडिया का क्वेश्चन ये था कि आखिर में वो आपकी बहन है और आपकी बहन के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर विशाल अपने पॉइंट्स रखते हुए नजर आए हैं और अपनी सफाई देते हुए नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ एक मजाक में कहा था। लेकिन शमिता शेट्टी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है और वो विशाल को जो है काफी ज्यादा उनसे डिसअपॉइंटेड है और काफी ज्यादा जो है उनसे गुस्सा है, क्योंकि वो जिस तरीके से बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है। और जहाँ शमिता शेट्टी उन्हें भाई मानती है, तो कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी को इससे काफी ज्यादा दिक्कत होती है कि वो कभी कभार कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो शायद उन्हें नहीं भी बोलना चाहिए। और यहाँ पर जो जिस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने यूज की है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है शमिता शेट्टी के लिए भी और साथ ही बाकी कंटेस्टेंट्स ऑडियंस के लिए भी। लेकिन यहाँ पर जो है विशाल ये कहते हुए लगातार नजर आते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक मजाक किया था कि शमिता शेट्टी यानी कि शिल्पा शेट्टी की बहन अब उनको पटाकर जो है कहीं ना कहीं काफी बड़ा हाथ मारा है राकेश ने, ऐसा कुछ कहते हुए वो नजर आए हैं और अपनी सफाई देते हुए नजर आए। वेल, आपकी क्या रिएक्शन रहे इसको लेकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।